गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी. सो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. आप सब लोग घर पे बहुत अच्छे हो और बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई भी कर रहे हो. यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नर्सरी. सो स्टूडेंट्स, इट्स योर हिंदी रिविजन क्लास वर्क. ओके, एंड टूडेज डेट इज 3rd of October 2020. So let's start our today's revision Hindi classwork. Okay, so students, आप लोगों के अक्षर परिचय बुक में अगले दिन हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था झ. झ से एक शब्द भी हमने सीखा था, वो है झंडा. और हमने इया भी लिखना सीखा था. Okay, तो आज हम क्या करेंगे? पेज नंबर 22 पे ये जो अक्षर है, आज हम ये सीखने वाले हैं. तो ध्यान से देखिए, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा वर्ण है? ये है ट. ठीक है, तो ये है ट. अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि ट से बने एक शब्द मुझे बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? टमाटर. ओके स्टूडेंट्स, तो ट से होता है टमाटर. आप अगर चाहे तो ट से कुछ और शब्द भी आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ट से टमाटर है, तो टमाटर पढ़ना ही सीखना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा. ओके, आप चाहे तो और शब्द भी सीख सकते हैं. ओके, तो आपको पता है टमाटर कैसा दिखता है? देखिए, ये होता है टमाटर. टमाटर किस कलर का होता है? लाल रंग का. ठीक है, ये है लाल रंग का टमाटर. ओके, इट्स अ वेजिटेबल. ये एक प्रकार की सब्जी है. तो चलो अब हम ट लिखना सीखते कि ट कैसे लिखते हैं. ओके, तो चलो अब ट लिखते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करेंगे? मात्रा देंगे, उसके बाद चलो फिर से लिखते हैं. मात्रा देंगे, उसके बाद ये है ट. ओके, तो हम लोगों को ट लिखना भी आ गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं. तो बच्चों बताओ, ये कौन सा अक्षर है? ये है ट. ओके, और ट से बने एक शब्द मुझे बताइए, तो आपको बोलना है टमाटर. ओके, सो थैंक यू. आवर टुडेज हिंदी रिविजन क्लास इज ओवर.